Hi everyone. So, aaj ka lecture will be a continuation of Plato's thought, and we will be looking at two other aspects of his political thought and kaise ye important hai for his overall philosophy. ठीक है, तो कल हमने उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स देखा था. उस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में हमने जाना था कि कैसे नॉलेज ओपिनियन या बिलीफ से अलग है, कैसे जो नॉलेज है वो आपको एक वर्चुअस लाइफ, एक गुडनेस की तरफ लेके जाता है, राइट. साथ ही में उसने कई बातें, उसमें कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए गए थे, राइट. द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड द नॉलेज, एक आइडिया के हर चीज़ का एक इसेंस होता है, और उस इसेंस के अगर आपने सबसे सुपीरियर फॉर्म को देखना है, उस सुपीरियर फॉर्म को समझना है, तो वही नॉलेज है, राइट. एंड हाउ ये थ्योरी ऑफ नॉलेज रिलेटेड थी, फाइनली आपको लेके जाती थी टुवर्ड्स हिज ओवरऑल वर्च्यू ऑफ जस्टिस. ठीक है, फिर हमने उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस समझी, उसमें देखने की कोशिश की कि कैसे जस्टिस दोनों पब्लिकली एंड प्राइवेटली अप्लाई हो सकता है. विद इन द इंडिविजुअल सोल जस्टिस कैसे बैलेंस आउट करता है डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सोल, एंड साथ ही में जब इस जस्टिस को आप एक पब्लिक सोसाइटी में अप्लाई करें तो कैसे डिफरेंट क्लासेस को और पूरी सोसाइटी को एक फैब्रिक, एक बॉन्ड में बांधता है जस्टिस, राइट. दैट इज़ व्हाट वी सी. ठीक है, अब इन कंटिन्यूएशन ऑफ बोथ दीज टू थ्योरीज आज हम देखेंगे उनकी स्कीम ऑफ एडुकेशन, एंड इस स्कीम ऑफ एडुकेशन के बाद वी विल लुक एट हिज कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, राइट. बेसिकली जो हमने पिछली दो चीज़ें की थी वो थी उनके थियोरेटिकल फिलोसफिकल बेस. ठीक है, तो हमने एक फिलोसफिकल फाउंडेशन बना दिया कि अगर हम प्लेटो की थॉट की बात करते हैं, वो थॉट कहाँ से एमिनेट होता है, वो थॉट के एक बेसिस, एक थियोरेटिकल फाउंडेशन क्या है, राइट. आज जो हम देख रहे हैं द स्कीम ऑफ एडुकेशन प्लस कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, उसको आप देखिए एज अ मीन्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ आइडियल स्टेट. ठीक है, सो अब आपकी बेस हो गया है स्कीम, और जो स्कीम ऑफ जो एडुकेशन है और कम्युनिज्म है वो क्या है कि ये दो चीज़ें हैं जो फैसिलिटेट करेंगी गेटिंग द आइडियल स्टेट इनटू प्रैक्टिस. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हो गए टू ब्रिंग हिज थ्योरी इनटू प्रैक्टिस इन हिज रिपब्लिक, इन द यूटोपियन स्टेट जो कि इमेजिन करते हैं प्लेटो. ठीक है, अब स्कीम ऑफ एडुकेशन क्या है, किस बारे में बात करती है, राइट. तो जो स्कीम ऑफ एडुकेशन है, अब हमने जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बेसिकली जो आपकी जस्टिस है वो जस्टिस किस चीज़ पे बेस्ड है, एक फंक्शनल ड्यूटी है, जिस तरह की आपकी नेचर है, जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, उस हिसाब से आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, राइट. एंड बिकॉज आप अपने नेचर के अकॉर्डिंगली फंक्शन परफॉर्म करोगे, आप अपना गुड भी सर्व कर रहे हो और आप कॉमन या सोशल गुड भी की तरफ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट. अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो इस डिविजन ऑफ क्लासेस में देखी थी, कौन सी तीन क्लासेस थी, आपकी क्लास ऑफ गार्डियंस विच वॉज द हाइस्ट, द रूलिंग क्लास, राइट. द सेकेंड वॉज योर क्लास ऑफ ऑक्सिलरीज जो आपके सोल्जर्स हैं, एंड थर्ड थी योर क्लास ऑफ वर्कर्स, द प्रोड्यूसिंग क्लास. ठीक है, साथ ही में हमने ये भी समझा था कि ये जो क्लासेज है हेरिडिट्री नहीं है, क्या है, द क्लासेज आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द टैलेंट, आपका जो मेरिट है, तो जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से आप ये क्लास मोबिलिटी भी अलाउ करता है, उस हिसाब से यू कैन असेंड और डिसेंड इन दिस क्लास का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्लेटो, राइट. तो अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस आदमी, किस पर्सन में कितनी क्षमता है और उसको कौन से क्लास में एक हिस्सेदारी देनी चाहिए, राइट. सो इसीलिए द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई पीपल ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस, द बेस्ट वे कि आप देख पाए कि हाँ ये लोग वो हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि गवर्न कर सके, ये वो लोग हैं जो अच्छे एडिक्वेट मिलिट्री पर्सनल बन पाएंगे, और ये वो लोग हैं जो प्रॉबेबली प्रोड्यूसिंग क्लास में एक अच्छा से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, राइट. तो अगर आपने ये लोग चुनने हैं, सो वॉट इज द बेस्ट मेथड चुनने के लिए, वो है एडुकेशन, राइट. तो अगर आपने जस्टिस को अप्लाई करना है सोसाइटी में, अगर आपने ये क्लास डिवीजन को अच्छा एक बेसिस देना है, मेरिटोक्रेटिक बेसिस देना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्कीम ऑफ जो एडुकेशन है बहुत ही रॉबस्ट, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनी हो, राइट. सो बेसिकली अब वो बोलते हैं कि ये कैपेबिलिटीज आपने डिटरमिन करने के लिए आप एडुकेशन लाओ, राइट. इसीलिए एडुकेशन की जो थ्योरी है प्लेटो बहुत ही डिटेल्स में समझाता है. इनफैक्ट एडुकेशन की वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरीज इज एक्चुअली गिवन बाय प्लेटो, राइट. क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अगर आपने एक आइडियल सोसाइटी बनानी है तो बहुत ज़रूरी है कि गुड एडुकेशन
उनको दी जाए, लोगों को दी जाए, राइट। अब साथ ही में वो बताते हैं कि जो प्लेटो की स्कीम ऑफ एडुकेशन है एक्सट्रीमली होलिस्टिक है, ठीक है। जैसे एक छोटा, देर इज़ नॉट कि एडुकेशन ऐसे नहीं है कि आपके एक फिक्स नंबर ऑफ इतने साल है बस इसके बाद एडुकेशन हो गया अब काम करने चलो, नहीं। एडुकेशन इज लुक्ड एट एज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आपने एक आइडियल सिटीजन बनना है फॉर एन आइडियल सोसाइटी, एडुकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे आगे, वैसे वैसे आपकी एडुकेशन की नीड्स ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी और वैसे वैसे एडुकेशन का सिस्टम भी ट्रांसफॉर्म होता जाएगा बेस्ड ऑन किसको पढ़ाना है और किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही होलिस्टिक है, थियोरेटिकल चीजों पे भी ये को भी ये इंक्लूड करती है, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करती है। इनफैक्ट 15 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही इंक्लूड करती है ताकि आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ना मिले, आप वो अप्लाई भी करके देख सके कि ये जो थ्योरी मैंने पढ़ी है, ये सब जो सीखा है मैंने फिलोसफी, इसको मैं एक्चुअल में जब अपने स्टेट बनाने की कोशिश करूंगा तो इसको अप्लाई कैसे करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ में जैसे कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हमने देखी, जस्टिस डिमांड्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, तो अकॉर्डिंगली वो हर क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एडुकेशन भी होगा, राइट। तो इसके अंदर वो बोलते हैं साथ ही में, क्योंकि एडुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे स्टेट के लिए, इसलिए पहली चीज़ एडुकेशन कंपलसरी होगी, हर किसी को अवेलेबल होगी एडुकेशन। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो गार्डियन सिर्फ एक रिस्पेक्टिव क्लास से अगर आप बिलोंग करते हो तो ही आपको एडुकेशन मिलेगी, राइट। बिकॉज प्लेटो बिलीव्स कि एक एबल इंसान कहीं से भी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट क्लास यू बिलोंग टू आपको एडुकेशन मिलेगी और कंपलसरी एडुकेशन है। साथ ही साथ में एडुकेशन इज अ पब्लिक एंटरप्राइज, राइट। अब प्लेटो जब ये स्कीम अपनी देखता है एडुकेशन की, वो ये भी देखता है कि एथेंस में अभी एडुकेशन की क्या हालत है, सो बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट ही हैज, उस हिसाब से ये अपने थ्योरी के अंदर कई चेंजेस भी लाता है, राइट। तो अब वो एथेंस में देखता है कि एथेंस के अंदर कई तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल उनके जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो एथेंस में अवेलेबल है वो है कि फिलॉसफी और लिटरेचर दोनों के ही अच्छे से पढ़ाया जाता था। उनके खुद के गुरु थे सोक्रेट्स, राइट। इवन दो सोक्रेट्स को इन एन अनफेयर ट्रायल उनको डेथ सेंटेंस बाय ड्रिंकिंग द पॉइजन ऑफ हेमलॉक ये बता दिया गया था, राइट। सो दो हिज फिलोसफिकल जर्नी डिड नॉट एंड दैट वेल, बट रिगार्डलेस एक ये था कि हाँ एथेंस में फिलॉसफी और लिटरेचर पे एक बहुत जोर दिया जाता था इन कोर्स ऑफ एडुकेशन, जो प्लेटो को लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक जो बहुत बुरी चीज़ उनको एथेंस के एडुकेशन सिस्टम के बारे में लगती थी और जो वो अपनी थ्योरी में रिफॉर्म करते हैं इस प्राइवेटाइज एडुकेशन, राइट। तो स्पेशली वो देखते हैं सोफिस्ट जो है, सोफिस्ट जो हमने देखा था जस्टिस में जो थ्रासीमैकिस है, राइट, जो कि आपके माइट इज राइट वाला देते हैं योर रेडिकल नोशन ऑफ जस्टिस, दोज पीपल आर एक्चुअली सोफिस्ट, ठीक है। वो ये इंडिविजुअल वैल्यूज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो उनको लगता है ये जो सोफिस है ये प्रमोट कर रहे हैं प्राइवेटाइज एडुकेशन और इसके कारण ना जिनके पास भी क्षमता है उनको एडुकेशन नहीं मिल पा रही है, राइट। तो वो क्या बोलता है, प्राइवेटाइज एडुकेशन नहीं होनी चाहिए, पब्लिक एंटरप्राइज होना चाहिए, राइट। साथ ही में एक वो एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो देखते हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे एथेंस में, इस विमेन आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। विमेन को वो दूर रखते हैं इस एजुकेशन से, विमेन को ये सेम एजुकेशन जो बाकी जो मेन को दे रहे होते हैं और फिलोसफी लिटरेचर सो ऑन सो फोर्थ, वो विमेन को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड इस हिसाब से प्लेटो का मानना है कि आप अपनी हाफ ऑफ द पोटेंशियल जो आपकी सोसाइटी में अवेलेबल है वाया विमेन, वो आप लूज आउट कर रहे हैं, राइट। साथ ही में अब उन्होंने एथेंस को तो एनालाइज किया ही था, साथ ही में उनके जो एक और स्टेट था सिटी स्टेट ऑफ स्पार्टा, जिससे एथेंस का काफी कंपटीशन था, काफी एक राइवलरी थी, ठीक है। उन्होंने उनको भी एनालाइज किया कि क्या स्पार्टा से हम कुछ सीख सकते हैं। तो स्पार्टा में उन्होंने जो एक बहुत अच्छी चीज देखी थी वो ये थी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एडुकेशन थी, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड थी और कंपलसरी थी, तो ये उनको दो वैल्यूज बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ में एक और जो उनको अच्छी लगी थी स्पार्टा के बारे में चीज, कि मिलिट्री ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते थे वो। एथेंस में क्या था, फोकस वॉज इंटायरली ऑन द फिलोसफिकल बेसिस, यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे। एंड अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, इक्वालिटी ऑफ बोथ सेक्स,
सेक्सेस. दोनों मेन एंड वुमेन को ये ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती थी. उनके बीच में ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था कि आप औरत है तो आपको ये नहीं दी जाएगी, राइट. बट एक जो बहुत बुरी चीज़ जो उनको स्पार्टा के बारे में रखती थी कि अगर वो मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे तो वो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे फिजिकल एजुकेशन पे ही. फिलोसफिकल एंड एक मेंटल कैपेबिलिटी को डेवलप करना स्पार्टा में इतना ज़्यादा नहीं उस पर फोकस किया जाता था, राइट. तो अपनी जो वो एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन बनाते हैं, बेसिकली व्हाट ही डज इज ही पिक्स एंड चूजेस द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है. तो जो उनको स्पार्टा की अच्छी चीज़ें लगती हैं वो उठाते हैं, जो उनको एथेंस की अच्छी लगती है वो उठाते हैं, एंड इनको अमेलगमेट करके वो एक थोड़ा होलिस्टिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन आगे देने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो इसलिए पब्लिक एंटरप्राइज होनी चाहिए एजुकेशन, ताकि ये इक्वली अवेलेबल हो हर किसी को, एंड पूरी सोसाइटी में जो भी केपेबल इंसान है उसका टैलेंट अनडिस्कवर्ड ना रह जाए. क्योंकि ये उस इंसान को तो लॉस है ही है, बट उस इंसान से ज़्यादा आपकी सोसाइटी, आपके स्टेट को लॉस है कि उन्होंने एक इतना अच्छा पर्सन खो दिया, हु कुड प्रॉबली हैव बीन द फिलोसोफर किंग ऑफ ऑफ प्लेटो, ठीक है. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वली अवेलेबल हो, हर किसी को अवेलेबल हो, और क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो, ठीक है. सो साथ ही साथ में वो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि पेडागॉजी, दिस आइडिया ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल, क्रूशल फंक्शन है स्टेट का. क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं स्टेट को अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है और स्टेट को मेंटेन करके रखना है, आप फोर्स, वायलेंस, कोअर्शन के बेसिस पे आप स्टेट को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करके नहीं रख सकते, राइट. तो पहली बार आप देखेंगे दी आइडिया ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, ये ले आए हैं प्लेटो यहाँ पे, ठीक है. कि आपने जो हम आगे चल के आप देखेंगे कि न्यू मार्क्सिस स्पेशली इसको डेवलप करेंगे व्हेन वी स्टडी ग्राम्स्की एक्सेट्रा. सो दी आइडिया कि सिर्फ वायलेंस या कोअर्शन के बेसिस पे स्टेट ऑर्गेनाइज या मेंटेन नहीं हो सकते, आपको एक एक बीच का एक और लेयर चाहिए स्टेट को प्रिजर्व करके रखने के लिए, ठीक है. और ये बेस्ट वे ऑफ डूइंग ऑफ आइडियोलॉजिकली ऑफ कंडीशनिंग पीपल कैसे है, वाया एजुकेशन, राइट. साथ ही में यहाँ पे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स अक्रॉस इज कि जो आइडिया ऑफ जस्टिस वो डेवलप करते हैं ना प्लेटो, वो बहुत ज़्यादा बेस्ड है ऑन सेल्फ कंट्रोल. तो जब रिपब्लिक की आप सेटिंग देखते हैं, जब रिपब्लिक शुरू होती है, तो रिपब्लिक स्टार्ट्स विद दिस डायलॉग बिटवीन सोक्रेट्स एंड सेफिलिस, ठीक है. सेफिलिस जिन्होंने आपकी ट्रेडिशनल नोशन ऑफ जस्टिस दिया था. तो सेफिलिस जो है ना वो बहुत ही एक आइडियल सिटीजन टाइप्स हैं, राइट. बेसिकली ही इज़ दिस ओल्ड मैन हु हैज़ लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ, ठीक है. ही इज़ लिव्ड अ वेरी आइडियल लाइफ. उन्होंने बिजनेस मैन है, अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलाया है. कभी अगर किसी से उधार लिया तो उसको चुकाया है. कभी किसी से बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, राइट. एंड बेसिकली सेफिलिस का क्या मानना है, सेफिलिस बोलता है कि मुझे ओल्ड एज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बोलता है जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं ना, आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बढ़ता जाता है. यू आर फ्री फ्रॉम द टिरनी ऑफ डिजायर्स, दैट्स व्हाट सेफिलिस सेज, राइट. एंड व्हाट कम्स एज एन आइडिया आगे चल के, एंड सेफिलिस राइट आफ्टर दिस प्राइमरी डायलॉग, बेसिकली सेफिलिस उसके बाद बाहर चले जाते हैं, राइट. सो बेसिकली अ लॉट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन इज रेज कि आपने सेफिलिस जो कि यू नो अपेरेंटली एक आइडियल सिटीजन है, प्लेटो इसको इस डायलॉग से इतनी जल्दी क्यों भेज देता है, राइट. सो द आइडिया स्पेशली व्हेन ही सेइंग कि जस्टिस इज सेल्फ कंट्रोल, तो ये तो आइडियल सिटीजन है जो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप इसको क्यों निकाल रहे हो, राइट. वो इसलिए क्योंकि सेफिलिस के अंदर सेल्फ कंट्रोल एज के कारण डेवलप हुआ है, ठीक है. नाउ ही इज बियॉन्ड लर्निंग समथिंग, राइट. दिस इज वॉट अ लॉट ऑफ पीपल सेज. तो अब क्या वो क्या बोलते हैं कि जो यंग लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्रासिमैकस, जिनसे बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं प्लेटो, राइट. सो बेसिकली ही सेज कि अगर आपने चेंज लाना है, जस्टिस लानी है, तो आपने सेल्फ कंट्रोल इन यंग लोगों को सिखाना है, राइट. और सेल्फ कंट्रोल और कंडीशनिंग आप कैसे सिखाओगे, वाया सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राइट. सो अगेन वो बोलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, दैट इज योर सिविलिटी एंड कंट्रोल, राइट. और अगर आप में सिविल हैबिट्स इनकलकेट हो जाती हैं बहुत ही यंग एज से, तो क्या होगा, आप वायलेंस, लॉलेसनेस, ठीक है, इन सबसे आप दूर रहोगे, राइट. यू विल बी मोर ओबीडियंट, यू विल रियलाइज कि अच्छा अगर गवर्निंग क्लास कोई रूल बना रही है तो ये मेरे यू नो फायदा के लिए ही है, एंड मे बी आई शुड अबाइड बाय इट, राइट. सो दिस आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, राइट, दिस कंडीशनिंग, राइट, दिस हेजेमनी इज क्रिएटेड बाय व्हाट, द मीन्स ऑफ एजुकेशन,
राइट. सो दिस आइडिया पहली बार हमको प्लेटो देते हैं जो आगे चल के न्यू मार्क्सिस भी डेवलप करेंगे. अब ये एडुकेशन पैटर्न क्या है? ये एडुकेशन पैटर्न अगेन आपके क्लास डिविजन पे बेस्ड है, अवेलेबल हर किसी को है. और जब ये आ रहा है ना कि एडुकेशन पैटर्न बेस्ड ऑन क्लास, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ क्लास के लोगों को ही अवेलेबल है. नहीं, इसका मतलब क्या है, जिस इंसान में जिस क्लास को ज्वाइन करने की क्षमता हुई उस हिसाब से उसको उतना लेवल ऑफ एडुकेशन दिया जाएगा, राइट. तो अब वो तीन ब्रॉड डिविजन्स आ जाते हैं. वो बोलते हैं पहले है आपकी एलिमेंट्री या प्राइमरी एडुकेशन जो आपको 6 साल से लेके 20 साल तक दी जाएगी, राइट. ये बेसिकली आपको एक जो नॉर्मल एडुकेशन होती है, राइट, जो आपको बेसिक चीज़ें सिखाएगी, राइट, वो है जो इस एलिमेंट्री एडुकेशन का हिस्सा है, राइट. सो बेसिकली इट विल हेल्प यू लीड अ प्रॉपर लाइफ, राइट. सो ये एडुकेशन बेसिकली आपको बेसिक थिंग्स बताएगी ताकि आप अपनी लाइफ में नॉर्मल काम कर सकें, राइट, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए ये चीज़ें कर सकें, राइट. तो जिसकी अगर सपोज जिसमें इतनी ही क्षमता है कि वो प्रोड्यूसिंग क्लासेस का ही हिस्सा बन सके, उसको ये 20 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट. अब योर फर्स्ट फिल्टरिंग हैपन्स, ठीक है. पहली छंटाई हो गई, जो प्रोड्यूसिंग क्लास लायक थे उनको 20 साल तक हमने पढ़ा दिया, ठीक है. अब इसके बाद जो लोग होंगे वो कौन से बचेंगे, आपके ऑक्सिलरीज एंड गार्डियंस, जिनमें ऑक्सिलरीज या गार्डियंस बनने की क्षमता है, ठीक है. अब फिर आएगी आपकी हायर एजुकेशन, सो जो 20 से 35 साल तक कराई जाएगी, राइट. 35 साल पे अगेन इसके अंदर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट. आपको बेसिक और चीज़ें, फिलोसफी, डायलेक्टिक्स, ये सब पढ़ाया जाएगा, राइट. अब इसके बाद एक और फिल्टर आ जाएगा जो कि सोल्जर्स बनने लायक है, जिनके अंदर स्पिरिटेडनेस, करेज का वर्च्यू ज़्यादा है, उनको आप ज्वाइन करा दोगे ऑक्सिलरी के क्लास, ठीक है. अब इसके बाद जो लोग बचे बेसिकली वो लोग हैं जो कि गार्डियन क्लास के हिस्से का हिस्सा बनने के लायक हैं, राइट. सो इनको अब आप फिलॉसफी में और ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ में वो जो 15 साल ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ऑफ हाउ टू गवर्न, तब ये आपको दी जाती है. तो बेसिकली आप 50 साल के होके फाइनली गार्डियन बनने लायक होते हैं, रूल करने लायक एमर्ज करते हैं, राइट. सो एडुकेशन एक लिमिटेड एजेंडा नहीं है, एडुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एंटरप्राइज फॉर प्लेटो, ठीक है. क्योंकि आपने कंटिन्यूसली इवॉल्व करते रहना है, कंटिन्यूसली लर्न करते रहना है अगर आपने एक अच्छा गवर्नर बनना है, ठीक है. अब हमने देख लिया कि एडुकेशन कैसे चल रही है, लोअर टू हायर स्टेजेस की तरफ बढ़ रही है, ठीक है. तो जो लोअर स्टेजेस है उसके अंदर पहले लेस डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जिनको मानता है वो सिखाए जाएंगे. तो बोलेगा लिटरेचर सिखाओ, मैथ सिखाओ, ठीक है. अगेन वो म्यूजिक और जिमनास्टिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं. जब हम म्यूजिक की बात करें, बेसिकली म्यूजिक इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है. तो ये सिर्फ म्यूजिक सिर्फ गाना वो नहीं है. सो म्यूजिक विल इंक्लूड आर्ट, ओरेटरी स्किल्स, राइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली included within music, ठीक है. तो वो बोलते हैं ये जो music arts वाला part है ना, it is very important to train the soul, ठीक है. साथ ही में gymnastics से आपकी physical training, ये भी बहुत important है. why? it is training for the body, ठीक है. ये जो body है उसको अगर आपने train करना है, जैसे कि उसने स्पार्टा भी देखा था, इसलिए आपको ये physical education की भी ज़रूरत है, right? तो ये सारी चीज़ें आपको लोअर लेवल्स पे पढ़ाई जाएंगी, और जैसे जैसे आप हायर लेवल की तरफ बढ़ते हैं तब आपको फिलॉसफी या डायलेक्टिकल एडुकेशन जो है, जिसको वो हायर फॉर्म ऑफ एडुकेशन मानता है, तब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे एंड आपको वो सब कराई जाएगी, राइट. साथ ही साथ में ये जो मिडिल और हायर एडुकेशन हमने की थी ना, मतलब मिडिल थी आपकी जो ऑक्सिलरीज के लिए है, एंड उसके बाद जो एकदम ही आगे वाली हो गई जो गार्डियंस के लिए है. बेसिकली ये जो ऑक्सिलरीज वाली एडुकेशन है वो आपको हेल्प करती है कि आप अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से समझ पाए, और जो एकदम हाईएस्ट कोर्स ऑफ एडुकेशन है ये बताती है कि आप अपनी एडुकेशन को आगे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, ठीक है. सो इसीलिए ये मेन एक क्राइटेरिया, एक ही मेन गोल है एडुकेशन का, कि एडुकेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू माय पर्सनल गेन. एडुकेशन का काम क्या है, सोशल गुड, ठीक है, इंडिविजुअल गुड नहीं, सोशल गुड, राइट. अगेन बहुत ही होलिस्टिक स्कीम ऑफ एडुकेशन है. फिजिकल आपकी एट्रीब्यूट्स, मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मॉरल डेवलपमेंट, हर चीज को ही ये इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है. साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जुड़ी है यहाँ पे, इट इज दिस आइडिया ऑफ गोल्डन लाए. ये गोल्डन लाए क्या है, कि हर सिटीजन को कैसे पढ़ाया जा रहा है, जितना तुम्हारा रिस्पेक्टिव टैलेंट है उस हिसाब से हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, तो बेसिकली अगर हमने तुम्हें 20 साल में निकाल दिया, मतलब हमारी गलती नहीं है, तुम में टैलेंट ही नहीं था, तुम में कैपेबिलिटी ही नहीं थी आगे बढ़ने की. हम इंटायरली मेरिट बेस्ड है, हम किसको आगे लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर क्षमता है आगे चल के ऑक्सिलरी या गार्डियन क्लास बनने की. ठीक है, साथ ही में ये भी इंपॉर्टेंट है रखना कि हम लोअर लेवल पे भी अगर हम लिटरेचर मैथ्स ये सब सिखा रहे हैं, ये उतना प्रोड्यूसिंग क्लास को बेनिफिट नहीं कर रहे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसिंग क्लास ऑफ द वर्कर्स विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, राइट. तो इनके लिए जो रेलिवेंट एडुकेशन है, फॉर एग्जाम्पल उनकी क्राफ्ट की ट्रेनिंग, राइट, या फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये तो उनको प्रोवाइड ही नहीं की जा रही है. तो पहले से ही एम क्या है कि हमने एडुकेशन किसको एक्चुअली किसकी टुवर्ड्स गेयर्ड है, कि हमने चुनना है गार्डियंस और ऑक्सिलरीज को, बाकी तो खुद ब खुद सीख ही जाएंगे, राइट. सो द मेन पॉइंट इज एक्चुअली टू सिफ्ट थ्रू द पूल ऑफ पीपल प्रेजेंट, ताकि गार्डियंस और ऑक्सिलरीज जो आपके सोल्जर्स और रूलिंग क्लास है वो आगे निकल पाए, राइट. जो जो सबाइन है, ठीक है, वो आगे चल के जब एनालाइज करते हैं प्लेटो की स्कीम ऑफ एडुकेशन, वो क्या बोलते हैं, अगेन जैसे कि पहले बोला जा रहा है कि जो ये एडुकेशन है, ये जब ट्रेनिंग देती है, जब आपको एडुकेट करती है, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ द वेलबींग ऑफ द स्टेट. जो स्टेट है, जो सोशल गुड है, कॉमन गुड है, हमने उसको नजर रखते हुए ये स्कीम ऑफ एडुकेशन बनाई है, नॉट टू गेट अ जॉब, नॉट टू गेट अ सर्टेन मटीरियल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, राइट. अगेन जब आप ये स्कीम ऑफ एडुकेशन देखते हैं, वो बोलते हैं एवरी लेवल ऑफ एडुकेशन इज गेट टूवर्ड्स डेवलपिंग अ सर्टेन वर्च्यू दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ सर्टेन क्लास. ठीक है, जैसे कि हमने पहले बोला था कि जो चार मेन वर्च्यूज हैं जो आपको बताता है प्लेटो, कौन से थे वो चार वर्च्यू, बोलता है टेम्परेंस है, ठीक है, टेम्परेंस या मॉडरेशन होता है इसका मतलब, राइट. सो टेम्परेंस या मॉडरेशन है पहला वर्च्यू, सेकेंड है करेज, थर्ड है रीजन, और लास्ट है, फोर्थ है आपका जस्टिस. ठीक है, टेम्परेंस किस में कल्टिवेट होना चाहिए, आपकी प्रोड्यूसिंग क्लासेस में, मॉडरेशन में, क्यों, क्योंकि एपिटेटिव क्लास है ये, ठीक है, कि द डिजायर टू जेनरेट मटीरियल वेल्थ, द डिजायर फॉर दीज नॉर्मल थिंग्स इन लाइफ, तो इसलिए मॉडरेशन जरूरत है, जरूरी है एज अ वर्च्यू इन दिस क्लास. सेकेंड आपका क्या था, आपका था करेज, ठीक है, तो आपकी जो क्लास ऑफ ऑक्सिलरीज हैं, सोल्जर्स हैं, क्योंकि इन्होंने डिफेंड करना है, इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है टू इनकल्केट द वर्च्यू ऑफ करेज, राइट. थर्ड थी आपकी रूलिंग या गवर्निंग क्लास, राइट, तो इन्होंने, क्योंकि लॉ नाम की चीज नहीं है, इन्होंने खुद बताना है टू द मासेस व्हाट इज फॉर योर गुड, आपके हित में क्या है, तो इसलिए रीजन या रैशनैलिटी कल्टिवेट होना एज अ वर्च्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और जस्टिस क्या है, जस्टिस इज द ओवरऑल बाइंडिंग वर्च्यू, ठीक है, द आइडिया कि जिसको जो काम भाता है वो वही काम करे, राइट. सो दिस जस्टिस इज दिस ओवर आर्चिंग वर्च्यू विच इज टू बी अप्लाइड टू द इंटायर सोसाइटी, ठीक है. अब एडुकेशन कैसे ये वर्च्यू कल्टिवेट करने की कोशिश करता है इन वेरियस क्लासेस, अब वो बोलते हैं प्रोड्यूसिंग क्लासेस को क्या जरूरत है, टेम्परेंस या मॉडरेशन, तो इसलिए जरूरी क्या है, सिविलिटी, द आइडिया ऑफ कल्टिवेटिंग ओबीडियंस अमंग मासेस, राइट. तो लिटरेचर पढ़ाओ, स्टोरीज पढ़ाओ, मिथ्स बताओ इनको, हीरोज की, जो डिफरेंट आपके हीरोज हैं उनकी, इनको स्टोरी सुनाओ, ताकि ये सब सुन सुन के वो ये मान ले कि हाँ जो भी होता है इट इज़ फॉर अ रीजन, एंड अगर जो ये गवर्निंग क्लास या रूलिंग क्लास हमें कुछ बताती है और हमें ये फॉलो करना पड़ता है, इट इज़ फॉर आर वेलबींग ओनली, राइट. सो यू कल्टिवेट दिस टेम्परेंस और मॉडरेशन इन दैम. सेकेंड, करेज आपने कल्टिवेट करनी है इन ऑक्सिलरीज और द सोल्जर्स. सो द आइडिया, सो अगेन एनालॉजीज बहुत यूज करता है प्लेटो, राइट, मेथोडोलॉजी में हमने देखा था. तो अगेन ये ऑक्सिलरीज को क्या बुलाते हैं, बोलते हैं दीज आर लाइक वॉच डॉग्स, लाइक योर गार्ड डॉग्स, ठीक है. तो गार्ड डॉग्स क्या है, जो अपने ओनर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स आते हैं उनसे ये बहुत जेंटल है, उनके साथ वो बहुत अच्छे हैं, बट अगर कोई एनिमी या चोर घुस आता है घर में, उनके टूवर्ड्स दे आर वेरी टेरेबल, ठीक है. तो ये ऐसा करेज हमने डेवलप करना है हमारे सोल्जर्स या ऑक्सिलरीज में. लास्ट है आपका जो रीजन, जो क्लास से जुड़ा वर्च्यू, वो है रीजन, जो गार्डियंस के लिए है. एंड बेसिकली जैसे कि हमने देखा, एडुकेशन मींस क्या, स्कीम बेसिकली छंटाई के लिए बनी है कि हम अपनी अपर क्लासेस ढूंढ पाए, राइट. एंड 50 साल तक आप गार्डियंस को पढ़ाई जा रहे हो, ठीक है, ताकि वो एट द एंड ऑफ द डे दे टर्न आउट टू बी रियली गुड रूलर्स, ठीक है. तो बेसिकली प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो बोलता है कि एक पोलिटिकल टेक्निक जरूरत है डेवलप करने की. पॉलिटिकल टेक्निक का क्या मतलब हुआ, कि एक हर जैसे कि एक क्राफ्ट्समैन की स्किल होती है, उसी तरह देयर इज आल्सो अ स्किल ऑफ
एडमिनिस्टरिंग और गवर्निंग, और ये जो पॉलिटिकल टेक्निक या द स्किल टू एडमिनिस्टर है वो डेवलप करनी है आपने गार्डियंस में. एंड ये डेवलप कैसे होगी, जब उनके पास रीजन होगा, साथ ही साथ में सेल्फ कंट्रोल. दे लर्न टू मास्टर देयर ओन इमोशंस एंड पैशंस एंड डिजायर्स. दैट इज व्हेन रीजन विल एक्चुअली रीच द पिनिकल इन गार्डियंस, और तब वो अच्छे रूलर्स बन पाएंगे. राइट, नाउ मूविंग ऑन, वो बोलते हैं अभी जो एजुकेशन है ये किस तरह से हेल्प कर रही है एक आइडियल सोसाइटी बनाने में, एक आइडियल स्टेट बनाने में. अब प्लेटो का क्या मानना है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कब आती है, जब रूलर्स के अंदर कंपटीशन होता है और उनके अंदर डिसहार्मनी होता है. तो वो क्या बोलता है, अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखनी है ना, तो बहुत जरूरी है कि जो रूलर्स हैं उनके अंदर बेसिकली यूनिटी हमेशा रहे. राइट, सो ही सेज इट इज नेसेसरी टू मेंटेन यूनिटी, नॉट बिटवीन द रूल, सॉरी, बिटवीन द रूलर्स. ठीक है, तो ये रूलर्स के अंदर जो गवर्निंग क्लास है उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि एक गवर्निंग क्लास का इंसान दूसरे गवर्निंग क्लास को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, नहीं. उनके अंदर ये एक ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं, हम लोगों ने अपने अंदर इकट्ठा होके रहना. इनफैक्ट प्लेटो क्या बोलता है, वो बोलता है कि कई पीपल माइट प्रिटेंड टू बिलोंग टू द गवर्निंग क्लास. बोलता है हाउ इज द बेस्ट वे टू फाइंड समवन who does not deserve to be in the governing class but is only pretending to be capable of doing that, is ki ye jo banda hai wo hamesha power hungry hoga. theek hai, wo chahega ki main dusron ko neecha dikhaun aur khud power le lu. राइट, वो बोलते हैं जो गवर्निंग क्लास होगी ना हमारे, वो बड़े ही रिलक्टेंट रूलर टाइप होंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको पता है रूलिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है. राइट, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमको बस फिलोसफी करने दो, हमको रूल वो रूल मत करवाओ. ठीक है, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट इट इज दिस ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रूल, इसीलिए वो आके ये काम करते हैं, और इसीलिए उनके अंदर भी यूनिटी बनी रहेगी. बिकॉज वो तो चाहते हैं कि भाई कोई और पावर में आए, वो ये सिरदर्दी निभाए, मेरे ऊपर ना आए. राइट, सो दैट इज व्हाई देयर विल ऑलवेज बी यूनिटी अमंग द रूलर्स, एंड तभी एक स्टेट है वो स्टेबल रहेगा. दूसरा वो बोलता है जितनी यूनिटी रूलर्स में होनी चाहिए, एक क्लियर कट डिविजन होनी चाहिए बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड. ठीक है, अब अगर तुम ये क्लियर कट डिविजन रख रहे हो, तो इस क्लियर कट डिविजन को तुम मेंटेन कैसे करके रखोगे विदाउट देयर बीइंग अपील्स फॉर अ रेवोल्यूशन. वो बोलता है अगेन, यहाँ पे क्या आता है, तुम्हारा आइडियोलॉजी का हाथ. ठीक है, और ये आइडियोलॉजी या फॉल्स कॉन्शियसनेस जिसको आगे चल के मार्क्स बोलेंगे, ये जेनरेट कैसे हो रही है, वाया पर्सुएशन एंड मिथ. राइट, सो यू रियलाइज दैट इवन द पॉलिटिकली आइडियलिज्म है प्लेटो में टू क्रिएट दिस यूटोपियन स्टेट, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज आल्सो अ स्ट्रीक ऑफ प्रैक्टिकलिटी और प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि किस तरह से मैं इस यूटोपियन स्टेट को मेंटेन करके रखूंगा. राइट, तो अभी क्या मिथ्स हैं, क्या ये वेज हैं जिनके थ्रू वो ये डिविजन बना के रखेंगे. वो बोलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एनालॉजी जिसकी तरफ वो जाते हैं, वो है द मिथ ऑफ द मेटल्स. अब ये मिथ ऑफ मेटल्स क्या है, अगेन इट्स लाइक दिस एपिक टेल विच इज नरेटेड टू एवरीवन. ठीक है, इंक्लूडिंग गार्डियंस. ठीक है, तो ये अब ये ना डबल एज्ड स्वॉर्ड है ये मिथ. ये नहीं कर रही कि सिर्फ ये जो लोअर क्लास है, जो सिर्फ वर्कर्स है उसको बता रही है, उनको ये बिलीव करवा रही है कि हाँ ये सही है. ये दोनों अपर क्लासेस को भी बिलीव करा रही है कि हाँ जो तुम मेरी रूलिंग कर रहे हो, ये इवन दो यू आर एक्चुअली यू नो पुशिंग योर अथॉरिटी ऑन द लोअर क्लासेस, ये उनके बेनिफिट के लिए ही है. राइट, सो इट इज अ मिथ यूज्ड टू पर्सुएड बोथ द लोअर क्लासेस एज वेल एज द अपर क्लासेस. तो अब ये मिथ क्या है, ये मिथ ये बोलती है कि एक सेम मदर के, ठीक है, जो आपकी एथेंस की है, ठीक है, द एथेनियन गॉडेस, उनके बेसिकली बच्चे हैं. राइट, और ये बच्चे जो आए हैं, ये बेसिकली दीज आर मैन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज. ठीक है, एंड ये गोल्ड सिल्वर ब्रोंज क्या है, दे रिफ्लेक्ट द थ्री डिफरेंट क्लासेस. तो गोल्ड है आपके गवर्नर्स, ठीक है, सिल्वर है आपके ऑक्सिलरीज, ब्रोंज कौन है, आपके वर्किंग क्लास. ठीक है, तो जिस तरह, और ये जो अगर आप ये मेटल्स को मिक्स करने की कोशिश करोगे, तो ये मेटल्स को मिक्स करना सैक्रिलेज है, एक बहुत ही बुरा काम है, एक बहुत ही गलत काम होगा. ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह इन मेटल्स को अलग अलग रखा जाए, उसी तरह ये जो फंक्शनल डिविजन है ऑफ क्लासेस, उनको भी अलग अलग रखा जाए. तो कोलमैन जब स्टडी करते हैं प्लेटो को, वो बोलते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि जो नोबल लाइज हैं, ठीक है, ये नोबल लाइज बहुत जरूरी हैं. क्यों, क्योंकि आपने आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, साथ ही साथ में दीज नोबल लाइज आर नॉट फॉर इंडिविजुअल और सेल्फिश गुड. राइट, व्हाट आर दे सर्विंग, दे आर सर्विंग द गुड ऑफ द स्टेट.
ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये सबको बेनिफिट कर रहे हैं, इसलिए ये नोबल लाइज बहुत ही एक अच्छी चीज है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगेन बुक 5 ऑफ द रिपब्लिक इट टॉक्स अबाउट एजुकेशन फॉर वुमेन अमंग गार्डियंस. ये बोलते हैं कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेज है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेज इन द सेंस ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेज से रिलेटेड नहीं है नेचुरल डिफरेंसेस. नेचुरल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कि समवन इज मोर इंटेलिजेंट मे बी देन दी अदर, राइट. वो बोलता है ये नेचुरल डिफरेंस है जिसके बेसिस पे मैं क्लास डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूं, बट बायोलॉजिकल डिफरेंस इज नॉट द करेक्ट बेसिस फॉर क्रिएटिंग दिस क्लास डिफरेंस. तो अगर कोई औरत है हु हैज द नेसेसरी कैपेबिलिटीज फॉर बींग अ पार्ट ऑफ द गार्डियन क्लास, आप उनको एडुकेट करो, जरूरी है उनको एडुकेट करना ताकि वो आगे चल के ये गार्डियन क्लास का एक हिस्सा बन पाए, राइट. तो दिस इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस एज पर इन द एडुकेशन स्कीम ये एक रिफ्लेक्ट होता है. अब साथ ही साथ में उन्होंने एडुकेशन और करिकुलम के बारे में तो बता दिया, अब वो आते हैं थोड़े एडुकेटर्स पे. ठीक है, अगर एडुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो जरूरी है कि अच्छे एजुकेटर्स भी आपको चाहिए, राइट. तो अब वो क्या बोलते हैं कि जो एजुकेटर्स है ना उनको दे शुड हैव अ वेरी डीप केयर के जो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको मैं रेज कर रहा हूँ, उनके बेटर के लिए, उनको उनके उनके एक ठीक तरह से उनकी कैपेबिलिटीज डेवलप हो सके, उनकी वेलबींग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ. तो एजुकेशन कभी भी एक कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है, राइट. ये एक प्रॉफिट जनरेटिंग एंटरप्राइज नहीं है, ये क्या है, मॉरल एंटरप्राइज है. आई एम डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, आई एम डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. आई एम डूइंग इट बिकॉज इट इज माई ड्यूटी एज एन एजुकेटर कि मैं लोगों को ट्रू नॉलेज, ट्रूथ की तरफ, वर्च्यू की तरफ, गुडनेस की तरफ लेकर जाऊं. ठीक है, एंड ये लेकर जाना, ये जो पाथ है कैसे पॉसिबल है, वाया एजुकेशन, राइट. तो एक बहुत बड़ी मॉरल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एजुकेटर्स पे टू टीच वेल, राइट. सो दिस आइडिया ऑफ टीचिंग वेल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटो, राइट. सो जो आज के कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कल्चर है, प्लेटो से बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे, राइट. सो फॉर देम, फॉर हिम, एजुकेशन हैज टू बी फ्री एंड इट हैज टू बी गेट टूवर्ड्स द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. इसके आगे प्लेटो चल के एक और चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अब पढ़ाना कैसे चाहिए. ठीक है, क्या मोनोलॉग होना चाहिए, क्या वॉट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, राइट. यहाँ पे भी वो बोलते हैं सोक्रेटिक टीचिंग मेथड इज बेस्ट. सोक्रेटिक टीचिंग मेथड अब क्या है, सेम डायलेक्टिक्स, ठीक है, द आइडिया ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, टीचर का काम क्या है, जितना तुमसे हो सके उतना अच्छा तुम सब्जेक्ट जानो. ठीक है, बट अगेन जैसे सोक्रेट्स ने क्या बोला था, द वन थिंग दैट आई नो इज आई नो नथिंग, राइट. कि तुम्हें खुद अवेयर होना चाहिए कि एज ह्यूमंस मेरी भी कई लिमिटेशंस हैं, ठीक है, मेरी भी कुछ लिमिट है टू अ सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज, राइट. एंड दैट इज हाउ यू विल अटेन नॉलेज, राइट. तो तुम ऑलवेज अग्री कि ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं आता एंड इफ माई स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग दैट मेक्स सेंस, यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट एंड इनकॉर्पोरेट दैट. ठीक है, तो क्या है, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो सिर्फ एक टीचर एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, इट इज अ जॉइंट एंटरप्राइज. स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन, गिव एंड टेक से नॉलेज आ रही है, राइट. सो नॉलेज विल नॉट कम आउट ऑफ दिस मोनोलॉग ऑफ टीचिंग, नॉलेज विल कम आउट ऑफ व्हाट, कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग, राइट, आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ दिस कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग, बट ऐसे क्यों, ठीक है, अगर ये हुआ तो वाई दिस, राइट. सो दीज वाइज एंड हाउस एंड व्हाट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने ये क्वेस्ट फॉर नॉलेज के अंदर आगे बढ़ते रहना, राइट. तो अब हमने जब स्कीम ऑफ एडुकेशन कर ली है एज वन मीन्स ऑफ अचीविंग द आइडियल स्टेट, ठीक है, तो अब नेक्स्ट मीन्स क्या है ये आइडियल स्टेट को मेंटेन करके एंड प्रिजर्व करके रखने के लिए. अब प्लेटो बोलता है कि अगर आप दो सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम या सोशल ईविल देखें किसी भी स्टेट में, वो क्या है, करप्शन एंड नेपोटिज्म. ठीक है, करप्शन किससे रिलेटेड है, द आइडिया ऑफ प्राइवेट वेल्थ और प्रॉपर्टी. ठीक है, कि मैं अपनी प्राइवेट वेल्थ या प्रॉपर्टी बढ़ाता रहूं, इसलिए आप करप्शन करेंगे. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, नेपोटिज्म,
राइट, तो हमारे बच्चे, हमारे भांजे, हमारे भतीजे, हमारे सो ऑन सो फोर्थ, राइट, इन सब के अगर यू नो द पॉइंट कम्स टू क्या हम इनके लिए कुछ बेटर करें या बाकी सोसाइटी के लिए, वी विल ऑलवेज चूज फैमिली ओवर दी अदर्स, राइट. तो ये करप्शन एंड नेपोटिज्म वो बोलते हैं दो सबसे बड़ी चीजें हैं विच ब्रिंग द डाउनफॉल ऑफ द स्टेट. ठीक है, वो बोलता है कि अगर आपने जस्टिस अब अप्लाई करनी है सोसाइटी में तो जरूरी है क्या कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी टू कॉम्बैट दीज टू ईविल्स ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म. साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आगे निकल के आती है कि जो एडुकेशन है दैट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ क्रिएटिंग एन आइडियल स्टेट. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जनरेट कर रहे हो नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लासेस, ठीक है, टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल. सेकेंडली, आप उनको बता रहे हो कि आपको जो हमने फंक्शन दे दिया है वो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मिला है, तो प्लीज स्टिक टू दैट. ठीक है, तो ये प्राइमरी मीन्स है ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन आइडियल स्टेट. ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी है इट इज अ सप्लीमेंटरी मीन्स ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग दैट आइडियल स्टेट. ठीक है, कि इसके अंदर ये करप्शन और नेपोटिज्म वाली चीजें ना हो और ना आगे चल के आए, राइट. तो अब अगेन सबाइन जब प्लेटो के कम्युनिज्म को देखते हैं वो बोलते हैं इसके दो फॉर्म है. पहला फॉर्म क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ private property for rulers and auxiliaries. तो वो ये नहीं बोल रहे कि किसी भी क्लास के पास private property नहीं होगी, नहीं. वो क्या बोल रहे हैं? जो producing class है, क्योंकि उन्होंने they have to carry on the task of production, they also have to provide for the rulers and the auxiliaries, तो उनके लिए private property रखो. ठीक है, but जो upper two classes है जिन्होंने governing का काम करना है, ठीक है, who are actually contributing to the social and the public good, उनके लिए आप प्राइवेट प्रॉपर्टी मत बनाओ. क्यों? क्योंकि लॉ नहीं है टू मीडिएट देम. ये लोग अपने आराम से अपने रीजन से काम कर रहे हैं, तो ताकि इनके रीजन को, इनका रीजन बिल्कुल भी अडल्ट्रेट ना हो थ्रू प्राइवेट इंटरेस्ट, इसलिए इनको प्रॉपर्टी दो ही मत. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? कॉमन बैरक्स में रहेंगे, एक मेस में होंगे, मेस में खाएंगे, बहुत ही सिंपल लाइफ व्यतीत करेंगे, राइट. सो ताकि अगेन द आइडिया कि जो भी रूलिंग क्लास में आता है ही डजंट कम बिकॉज ही हैज दिस ग्रीड फॉर पावर और दिस ग्रीड टू जेनरेट वेल्थ. वाई डज ही कम? बिकॉज उनके अंदर एक इच्छा है टू एक्चुअली सर्व द कॉमन गुड, राइट. सो इसलिए तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दो फॉर द अपर टू क्लासेस. तो ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइज एंड प्रॉपर्टी है ये किसके, किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ जो आपके टॉप टू क्लासेस हैं ऑफ रूलर्स एंड ये आपके गार्डियंस प्लस ऑक्सिलरीज, राइट. अगेन सेकेंड वो क्या बोलते हैं जो आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है, दैट इज कि कभी भी कहीं पे भी परमानेंट मोनोगमस सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं होंगे. बेसिकली मैरिज का आइडिया नहीं है, राइट. ये नहीं है दैट देयर विल बी अ सिंगल पार्टनर जिसके साथ आप अपनी वाइफ अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, राइट. यू हैव किड्स, यू हैव अ फैमिली, सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, क्या होता है? देयर इज अ रेगुलेटेड ब्रीडिंग प्रोसेस. ठीक है, रेगुलेट की जा रही है आपकी सेक्सुअल लाइफ. ठीक है, अ मेटिंग आपका जो है उसको रेगुलेट किया जा रहा है. ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ ही बिलीव्स इन दिस थ्योरी ऑफ यूजेनिक्स कि अगर आपने अपनी आइडियल सोसाइटी क्रिएट करनी है, आइडियल सिटीजन लाना है, तो आपकी जो बेस्ट ऑफ द क्लासेस हैं उसको आप रेगुलेटरी उनको उनकी आप मेटिंग रेगुलेट कीजिए ताकि उनके जो बच्चे पैदा हों उनके ऑलरेडी उनके अंदर ये नेचुरल टैलेंट आएगा. ठीक है, तो ये थोड़ी सी आयरनी, थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी है यहाँ पे प्लेटो में. एक तरफ में वो बोल रहे हैं कि टैलेंट कहीं से भी आ सकता है, राइट. दूसरी जगह वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आपने बेस्ट पॉसिबल ऑफस्प्रिंग लाना है, एक नेचुरल दिस थ्योरी ऑफ यूजेनिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है, जो बेस्ट ऑफ क्लासेस है उनको मेट करवाओ ताकि उनके बच्चों में ये नेचुरल टैलेंट हो और जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़े वैसे वैसे हमारी आइडियल सोसाइटी भी क्रिएट होती रहे. ठीक है, अब अगेन ये कम्युनिज्म का पर्पज क्या है? अगेन लाइक एडुकेशन, यूनिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ द स्टेट तो क्या है? अब प्लेटो का क्या है, वो पहले तो चाहते हैं कि ये जो प्रेजेंट सर्कमस्टांस है उसके अंदर चेंज आ जाए. ठीक है, सो इन दिस सेंस ही इज अ रेवोल्यूशनरी. ठीक है, क्योंकि वो चेंज लाना चाहते हैं. बट वंस द आइडियल स्टेट हैज बीन क्रिएटेड ही बिकम्स वेरी स्टेटस क्वो. उसके बाद उनको स्टेबिलिटी चाहिए कि स्टेबिलिटी बना के रखो. ठीक है, और स्टेबिलिटी या यूनिटी कैसे होगी? थ्रू एडुकेशन एज वेल एज कम्युनिज्म, राइट. तो अब साथ ही में उन्होंने क्या बोल दिया, जो बाकी सिटीजन है, वर्किंग क्लास के सिटीजन है, ठीक है, उनको आप प्रॉपर्टी दो. क्यों? क्योंकि उनका काम नहीं है कि आपने कॉमन गुड को सर्व करना है, आपने बेसिकली आगे जनरेट करनी है चीजें, प्रोडक्शन करनी है. ठीक है, अगेन फॉर द गार्डियन क्लासेस एंड द ऑक्सिलरी क्लासेस वाइव्स एंड चिल्ड्रन आर टू बी हेल्ड इन कॉमन. ठीक है, तो मेटिंग फेस्टिवल्स क्रिएट करवाए जाएंगे. ठीक है, और ये मेटिंग फेस्टिवल्स के अंदर बेसिकली थ्रू दिस
ऑलमोस्ट लाइक अ रिग्ड लॉटरी, ठीक है. मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको कोई भी यू नो प्रेजेंट किया जाएगा एंड यू नो यू हैव टू बेसिकली मेट विद देम, बट उन्होंने ऑलरेडी रिग किया हुआ है कि द बेस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली एंड अप मीटिंग विद ईच अदर एंड उनके बच्चे फिर यू नो क्रिएट अ बेटर ब्रीड ऑफ सिटीजन्स फॉर द स्टेट, ठीक है. अगेन ये जो बच्चे पैदा होंगे ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, राइट. दीज किड्स विल बी द प्रॉपर्टी विल बी टेकन टू द स्टेट एंड ये जो स्टेट है यही इनकी सारी देख रेख करेगा, ठीक है. तो अब ये बोलते हैं ये क्यों किया जा रहा है, बेसिकली ताकि आप मीडियोक्रिटी एंड नेपोटिज्म हटा सकें. एडुकेशन इनकी स्टेट देखेगा, इनके आगे की जितनी नीड्स हैं इन सबको स्टेट ही देखेगा, तो ताकि मीडियोकर सिटीजन आगे ना आए एंड नेपोटिज्म की प्रॉब्लम ना आए कि एक गार्डियन टास्क का इंसान बोले कि हाँ ये मेरा बच्चा है सो आई हैव टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज फॉर हिम, ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो बच्चे हैं वो स्टेट के पास ही रहेंगे, राइट. साथ ही में ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर हम बोल रहे हैं कि मोनोगमस रिलेशनशिप्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटो प्रोमिस्क्यूटी इनकरेज कर रहा है कि ठीक है यू कैन गो हैव एज मेनी रिलेशनशिप्स एंड दिस आइडिया ऑफ ओपन सेक्सुअलिटी, आप जो मर्जी करो. नहीं, क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं गार्डियंस के पास इन सब यू नो मेयर मॉर्टल्स की ये जो नॉर्मल डिजायर्स है इन सब चीजों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है. बिकॉज वाई दे आर एंगेज विद द हायर थिंग्स ऑफ लाइफ, यू हैव टू गवर्न द स्टेट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कॉमन गुड, राइट. सो वॉट द ब्रीडिंग द मेटिंग इज रेगुलेटेड, इट इज नॉट द आइडिया ऑफ गो हैव फन, राइट. सो दैट इज वॉट प्लेटो इज ऑल्सो अंडरलाइनिंग हियर, ठीक है. अब अगेन द आइडिया इज कि देयर इज अ टोटल कट ऑफ बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो क्या होता है हर मदर इज अ रोटेटिंग वेट नर्स, ठीक है. तो एक हफ्ते शी हैज वन बेबी, राइट. The next week she has some other baby, right? So basically she doesn't get to know कि उनका बच्चा क्या है. हर बच्चा जो आएगा मे बी हर उस बच्चे की तरफ उनका एक इक्वल ही कंसर्न है. Why? Because these are children of the state, right? So there's going to be an attachment either with all of them or with none of them, right? कभी भी एक की तरफ ज्यादा partiality या biasness नहीं होगा which will lead to nepotism, right? Again वो बोलता है कि जो बच्चे हैं लोअर क्लासेस के उनको भी अलाउ किया जा सकता है रूलिंग क्लास में आने के लिए. वाई? क्योंकि एडुकेशन कौन दे रहा है? आपका स्टेट, और सबको कंपल्सरीली दे रहा है. तो अगर कोई बच्चा है लोअर क्लासेस का जिसके अंदर एबिलिटी उनको दिखती है तो वो भी आगे चल के एडुकेशन के थ्रू जो आपकी अपर क्लासेस है उसका हिस्सा बन सकता है. अब अगेन दोनों ये एडुकेशन और कम्युनिस्ट लाइफस्टाइल का बेसिक कंसर्न क्या है? एग्रीगेट हैप्पीनेस ऑफ द स्टेट, द कॉमन गुड, द सोशल गुड, ठीक है. और यही क्रिएट करेगा एक हार्मोनाइज्ड एंड यूनिफाइड कम्युनिटी. अ यूनिफाइड कम्युनिटी फॉर प्लेटो इज अ हैप्पी स्टेट, राइट. अगेन एंड्रू हैकर जब बात करते हैं वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं जो ऑस्टियर लाइफ है गार्डियंस की, ठीक है, अब तुम्हें नॉर्मल चीज़ों से जो नॉर्मल लोग जिन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस डिराइव करते हैं उनके पास तो ये है ही नहीं, ठीक है. सीइंग देयर किड्स ग्रो, सीइंग देयर प्रॉपर्टी फ्लरिश, ये सब तो उनके पास है ही नहीं, तो किस तरह की सेटिस्फैक्शन है उनके पास? वो बोलता है इनकी सेटिस्फैक्शन इज ऑफ अ हायर काइंड, ऑफ अ डिफरेंट काइंड. क्या? दे डिराइव सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ द कंटेंटमेंट ऑफ अदर्स. सो व्हेन आई सी माय एंटायर सोसाइटी हैप्पी द गार्डियंस एंड द ऑक्सिलरीज बिकम हैप्पी सीइंग दैट, ठीक है. सो बाकर आगे चल के क्या बोलते हैं कि इनकी जो पूरी थ्योरी है बहुत ही मल्टीफेसेटेड है. एक यूजेनिक्स का हिस्सा है रेगुलेटेड मीटिंग, साथ ही में इमैंसिपेशन ऑफ विमेन भी है. इमैंसिपेशन ऑफ विमेन क्या है कि जो गार्डियन क्लास की विमेन भी है ना उनके लिए, तो अगर ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स कैन बी स्लाइटली मिसलीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो विमेन भी उतनी ही फ्री है टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद द बेस्ट ऑफ मेन, राइट, टू हैव दोज किड्स जो कि बेस्ट ऑफ their kind होंगे. साथ ही साथ में हाउ आर विमेन इमैंसिपेटेड? अब बच्चे को देख रेख तो उन्होंने करनी नहीं है, बच्चे की देख रेख कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है, ठीक है. सो दे आर एक्चुअली स्पेयर्ड फ्रॉम दिस फ्रॉम द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो वो अपनी जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज है ऑफ बिकमिंग अ गुड गार्डियन उनको वो अच्छे से डेवलप कर सकती है, उनको होन कर सकती है. साथ ही साथ में नेशनलाइजेशन ऑफ द फैमिली, बिकॉज ये बच्चे कौन है? स्टेट की देखरेख में, तो जो फैमिली है वो नेशनलाइज होगी, पूरी एक नेशन की इकट्ठी एक फैमिली है, राइट. साथ ही साथ में अगेन यूजेनिक से क्या आ गया? ये दिस बेटर स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन, और बिकॉज मैन एंड वेमेन डू नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फेमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो ऑन सो फोर्थ, तो उनके पास बहुत टाइम है कि वो अपनी कैपेसिटीज पे फोकस कर सके, ठीक है, ना कि दे हैव टू लाइक यू नो थिंक कि अच्छा आई हैव टू वर्क सो दैट माई फैमिली कैन ईट, आई हैव टू गो बैक होम, आई हैव टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसे उनके पास कोई कंसर्न नहीं है, राइट. सो दे कैन बेटर फोकस ऑन द लार्जर थिंग्स इन लाइफ.
राइट अब जब वो कंटेंटमेंट की बात करते हैं कि कंटेंटमेंट जरूरी है अगर आपने यूनिफाइड कम्युनिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, तो अभी यूनिफाइड कम्युनिटी और कंटेंटमेंट कैसे अश्योर होगी, राइट? तो पॉइंट आउट करते हैं हैकर कि वो बोलते हैं दो मेन डिवाइसेस हैं जो कि प्लेटो एनविसेज करता है. पहली चीज है तुमने इकोनॉमिक एक्सट्रीम बिल्कुल नहीं आने देनी, ठीक है. अब पहली चीज तो ये होगी कि जो तुम्हारी अपर क्लासेस थी, ठीक है, जो रूलिंग क्लास है और जो मिलिट्री क्लास है, पहली बात तो क्योंकि उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, मतलब वो इकोनॉमिकली तो वेल्थ अपने हाथों में अक्यूमुलेट कर नहीं सकते, तो एक चीज आउट होगी. दूसरी चीज कि इवन जो आपके प्रोड्यूसिंग क्लासेस हैं वहां पे भी वो ये ध्यान रखेंगे कि किसी एक इंसान के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ना इकट्ठी हो जाए कि दूसरों को बुरा लगने लगे, राइट? तो इसीलिए अब जो इकोनॉमिक एक्सट्रीम है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसको तुम जितना मिनिमाइज कर सको उतना मिनिमाइज करो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लेटो लोग पॉलिटिकल डिस्पैरिटी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है, someone is more capable of ruling me, तो ठीक है चलो उसको, he belongs to this upper ruling class. But अगर economic disparity ये आने लग गई, तब it will breed, it will brew revolution in the state. ठीक है, तो economic extreme को आप सबसे कम करके रखो अगर आपको satisfaction contentment चाहिए in the state. Next वो बोलते हैं कि size of the state ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, इतना होना चाहिए that there is popular participation, there is regular discussion and there is fraternal feelings among citizens, कि एक दूसरे की तरफ the sense of brotherhood, the sense of fraternity हो. अगर ये होगा तभी possible है आपके state के अंदर ये unified एक community का आना और contentment generate होना. ठीक है, तो ये था इनका communism of wife and property. अब आगे चल के हम एक चीज देखते हैं, हम देखते हैं कि communism की बात तो Marx भी करता है, जो जब हम Marx पढ़ेंगे हम उनका communism देखेंगे. अभी हम देख लेते हैं what are some basic differences between Plato's Marx communism and Marx's communism. क्या ये दोनों communism same है कि इनमें difference है? तो इनमें बहुत सारे differences है. क्या main differences है? अब पहली चीज है आपका difference of objective. ठीक है, अब objective कैसे different है? So पहली चीज तो वो बोलते हैं कि Marx का क्या है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि स्टेट किससे जुड़ा है, द आइडिया ऑफ क्लास. तो अगर आपने एक स्टेटलेस सोसाइटी बनानी है, जरूरी है पहले तुम क्लास एंड करो. ठीक है, प्लेटो तो ये कर ही नहीं रहा है, प्लेटो तो बोल ही नहीं रहा है क्लास एंड करो, प्लेटो तो चाहता है क्लास कंटिन्यूस. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उनको अपना यूटोपियन स्टेट बनाना है, राइट? सो इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ही एकदम अलग हो गए, राइट? नेक्स्ट क्या है वो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू अ इकोनॉमिक एलिमेंट. तो अगेन जब आप कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे उनकी बेस सुपरस्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, राइट, तो बोलते क्या है, इकोनॉमिक्स इज द बेस बेसिकली. ठीक है, और ये जो बेस में जो इनइक्वालिटीज है, बेस में जो क्लास स्ट्रक्चर है, ये आपके सुपर स्ट्रक्चर जिसका एक हिस्सा आपका स्टेट है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट? सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक उसमें चेंज लाना है तो व्हाट यू नीड अ रेवोल्यूशन, राइट? यहाँ पे ऑन द ऑपोजिट एंड प्लेटो क्या बोल रहा है, प्लेटो इज एक्चुअली सजेस्टिंग एन इकोनॉमिक सोल्यूशन टू व्हाट, अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम. सो द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग अ यूनिफाइड कम्युनिटी, तो इन सबको अगर आपने कॉम्बैट करना है तो क्या इकोनॉमिक सोल्यूशन है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, अगेन जो मार्क्स का कम्युनिज्म है दैट इज ओनली रिलेटेड टू व्हाट, द आइडिया ऑफ कि आपने कम्युनिज्म किसका करना है, ऑफ प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक कम्युनिज्म यहाँ पे ऑफ वाइफ भी है, ऑफ फैमिलीज भी है, जो मार्क्स इसकी बात नहीं करता. नेक्स्ट, जब कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म की बात करता है, इट इज एप्लीकेबल टू द इंटायर सोसाइटी. प्लेटो का कम्युनिज्म इज एप्लीकेबल ओनली टू द अपर टू क्लासेस, राइट? जो फोर्थ है, ये फोर्थ है, राइट? फोर्थ क्या है, फॉर मार्क्स द बेसिस इज बेसिकली आपके सोशल इवल्स, राइट? तो अगेन पहले रूसो में आता है, उसके बाद मार्क्स में आता है कि जैसे जैसे प्राइवेट, सो द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज व्हाट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट? सो द मोमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टार्ट्स, यू कम आउट ऑफ योर दिस प्रिमिटिव एज ऑफ बीइंग, यू नो, ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंड आप एक क्लास डिवाइडेड सोसाइटी की तरफ बढ़ जाते हो. ठीक है, वही ऑन द अदर एंड आपका यहाँ पे बेसिस क्या है, ये बोल रहे हैं
कि प्रॉपर्टी इविल नहीं है क्योंकि आप प्रोड्यूसर क्लास को दे रहे हो, बट बेसिकली द आइडिया कि मटेरियल टेम्पटेशन हो सकती है एंड सेल्फिश नेचर हो सकती है इंडिविजुअल्स की, इसलिए जो गवर्निंग क्लास है उसको आप प्रॉपर्टी मत दो, उनको फैमिली मत दो, राइट। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो ये कम्युनिज्म का स्टेट से क्या है, तो स्टेट फॉर कार्ल मार्क्स इज evil, right? State is the handmaiden of the bourgeois, of the capitalist. On the other hand, Plato क्या बोलता है, state तो virtuous है, you will reach the best of your ability via state. तो अगर तुमने ये अच्छा state create करना, ideal state create करना है, so for the creation of the ideal state, you are actually applying communism. On the other hand, for the abolition of the state, which is seen as contributing to the class interest, you are getting communism, right? So एकदम ही opposite directions में जा रहे हैं इनके communism at the end of the day, right? So this is where we'll stop at communism. In the next lecture, because Plato is extremely large and I'm trying to give in as much information as possible, we will be picking up the ideal state jo wo conceive karte hain Plato and his rule of the philosopher king, and lastly we will be looking at criticism of Plato's theory, right? So tomorrow we should probably wrap up Plato, and then we will continue with our theory and start with comparative politics as well, right? Thank you.